हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे पीयू उठ गई हैं और मैं इनकी बाल बना रही हूँ। और कोई तो आने वाला है हमारे घर। कल कौन आने वाला है पता नहीं। देखते हैं कौन आने वाला है। खुद ही पता नहीं होते घर में कौन आने। नहीं, आपको नहीं पता है, मुझे तो पता है ना। मुझे पता है, वो जब कल आएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर कौन आया है। पीहू के कौन लगते हैं, मेरे कौन लगते हैं और नमी के कौन लगते हैं। तीनों से है रिश्ता। ओबियसली जो मेरे से रहेगा वो तीनों से रहेगा। तीनों से रिश्ता है तो आने वाले हैं कल। आई थिंक शायद हम पिक करने जाएं उनको। पर शिरडी में फ्लाइट होगी। देखो इनकी बाल बना रही हूँ मैं यहाँ पे। ऐसी आज होली है और ये पीहू का पेपर है। तो हमारे नासिक की तो होली ऐसी होती है। पेपर देने जाओ, अभी नवीन ऑफिस जाएंगे। ऐसी होली होती है हमारे यहाँ। अच्छा, संडे शैम्पू ने किया था ना। आज आज प्रीति फिर पूरी बना के देगी। लगा दिया, कलर नहीं लगाना चाहिए लेकिन इसको समझ में नहीं है तो इसने लगा दिया। और रेडी हो गई है और इनका एग्जाम है। लंच भी पैक हो गया है इनका, इसलिए मैंने कलर निकाल लिया। और ये भी अपने आप को लगा ली थी। क्या बच्चे हैं ना, इनको एक्साइटमेंट होती है तो इनकी इनको लेके हम बुरा नहीं मान सकते। एग्जाम में एक्साइटमेंट। हाँ, और आज इनका एग्जाम है। कौन से सब्जेक्ट का? इंग्लिश। इंग्लिश का एग्ज़ाम है इनका। और दुआ करो भगवान से अच्छे नंबर लाएँ ये। कुछ खा लो, अखरोट ले लो। कुछ खा के जाती नहीं है तो खाली पेट भी नहीं जाना चाहिए। कम से कम दूध भी नहीं लेती है तो अखरोट मैंने बोला डाल लो। आज रात भर मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों ऐसा। कुछ था भी नहीं, फिर भी नींद नहीं आई। बट कोई नहीं, यहाँ हैप्पी होली आप लोगों को। मेरी शक्ल देख सकते हो कितनी ख़राब हो रखी है शक्ल मेरी। थ्रेड की वजह से तो और भी ख़राब हो गई है। बनाऊँगी मंडे या ट्यूसडे को बना लूँगी। थ्रेडिंग बहुत बेकार हो गया फेस। तो अभी हो रही है मैगी पार्टी। तो मैगी मेरा पीहू का मैगी। पीहू का मैगी है शिया। ये रहा पीहू का मैगी। ये रहा शिया का मैगी। जान से अभी तक गर्म होगा। आ सूप नहीं, ठंडा कर दूंगी ना। ठंडा करने के लिए कर रही हूँ। शिया सो गए थे ये। तो शिया भी सो गई थी मम्मा के पास। होती है तो मम्मा ने मैगी प्रिपेयर किया। एक्चुअली जैसे ही मैगी की खुशबू नाक में पहुंची, सिया उठ गई। सिया के नाक में मैगी गई कि सिया उठी है ना सिया। लगा ऐसे रही है। सो मैंने बनाया मैगी। और मैगी खाने के लिए दो लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, सिया और पीहू।
और कहाँ बैठे हैं? किचन कट्टे पे। तो मैं जा रही हूँ कुछ अच्छा सा बनाने, क्योंकि लग गई है भूख, और सुबह से थकने के बाद से तो भूख लगी जाती है। तो आज थोड़ा सा मुझे बाहर जाना है नवीन के साथ एक घंटे के लिए, कुछ काम है जिसकी वजह से मुझे जाना है। एंड इसका जल्दी ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये बड़े बर्तन में इसका है ना, क्या पहले वाला पानी शुरू करते हैं। धीरे खा, किसको भी ऐसे खिला गया। चार बच्चे, कान्हा, क्रिशु, सिया, पीहू, ओ माय गॉड, मैं तो हो जाऊंगी बेहोश। अरे मिठू चीची, हे भगवान, क्या करूंगी सिया मैं। अब खा लोगे? खा आराम से, खाओ। हाँ उसको छुए है ना तो हैंड वॉश कर लेना। इतना सारा खाना पड़ोस से आया, सब्जी सेवई पूरी, इतना सारा कौन खाएगा? आप सोचो, कल भी इतना सारा आया था और आज भी इतना सारा आया, बहुत ज़्यादा है खाना ये। फाइनली गाइस खाना हो गया हमारा, बहुत भूख लगी थी, खाना भी टेस्टी था तो हमने खाना खा लिया। और कोई तो आने वाला है, वो आपको ब्लॉग में देखेगा कौन आने वाला है। बहुत हमारे बिल्कुल खास खास इंसान आने वाले, हमारे हम उनको रिलेटिव भी नहीं बोल सकते। उसके चक्कर में मम्मी ने हमारा रसमलाई खाना बंद कर दिया। और बिल्कुल खास इंसान है वो हमारे लिए, सबके लिए, सबके लिए मीन्स समझ पूरी फैमिली के लिए बहुत ही खास है। तो आने वाले हैं तो बहुत लोग दिमाग दौड़ाएंगे कौन है। सो आने वाले, कल आ जाएंगे वो, तो आपको ब्लॉग में दिखेंगे ही वो। और ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ रहे हो, बहुत कम दिनों के लिए आ रहे हैं, टच एंड गो ही करेंगे, टच एंड गो करेंगे वो। और मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही, एक्चुअली आज सुबह से सोई सो जाओ, जबकि होली होली कुछ भी नहीं था हमारे पास, हमारे पास क्या, हमारे घर में कुछ भी नहीं, फिर भी आज सोई नहीं। शाम को पड़ोस से ही खाना आ गया, देखा ही था अपने ब्लॉग में, शाम को पड़ोस से ही खाना आ गया था, खाना टेस्टी था। और एक्चुअली होली में क्या एक दूसरे को कलर भी नहीं लगा सकते। और मेरी ब्लॉग कैसी लगती है गाइस, प्लीज़ कमेंट में बताना, नहीं बताते हो तो बहुत बुरा लगता है। तो ये पेंडिंग वर्क तो जल्दी काम ख़त्म होगा, मीन्स थ्रेडिंग जल्दी बनाऊंगी मैं, बहुत दिनों से सोच रही हूँ बनाऊंगी लेकिन नहीं, मंडे तो बना ही लूँगी, मंडे या ट्यूसडे तो पक्का बनाऊंगी मैं, क्योंकि जो भी चल रहा है वो संडे तो नहीं बना सकती, ट्यूसडे तक बना लूँगी मैं, और तब थोड़ा सा अच्छा फेस दिखेगा, बहुत गंदा दिख रहा है। और जाना भी हमें नेक्स्ट वीक में, पीयू का फ्राइडे एग्जाम ख़त्म होगा, सैटरडे संडे निकल जाएंगे। कहाँ निकलेंगे हम, अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम आपको वहाँ पे खुद ही ब्लॉगिंग में आपको पता चल जाएगा हम लोग कहाँ गए हैं। एंड मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दो आप लोग, देखो पीयू यहाँ पढ़ रही है, पीयू का एग्ज़ाम चल रहा है, कल उनका छुट्टी है क्योंकि एक दिन एग्ज़ाम होता है एक दिन ऑफ रहता है,
फ्राइडे को क्या फ्राइडे को एसएसटी है फ्राइडे को एसएसटी है और लगेगा पीयू तो मेरे पास आ जाना डाटा यहाँ से हो जाएगा ठीक है ये नहीं कि बीच में रात भर जगे रहना मेरे पास आ जाना फालतू की दस होता इस डाटा सो जाएगा उसमें मैं और आप सो जाएंगे। सो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे आज बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है तो थैंक यू सो मच इतना प्यार बनाने के लिए आज ब्लॉग बहुत ही छोटा बना तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार बनाने के लिए और गेस करो कौन आ रहा है।